अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब माय एजी अहमद एजुकेशनल चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। याद रखें बेटे, मेरे इस चैनल के अलावा और भी चैनल हैं, वो नीचे जो कमेंट्स के सेशन के साथ बार में वी का निशान है ना, वहाँ पर लिंक उनका दिया हुआ है, उन्हें भी देखें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आजकल हम पढ़ रहे हैं एसे नंबर 11, अ ट्रू मुस्लिम। ये सारा का सारा एसे जो है आप प्रेजेंट में बयान करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ही शी टेंस सिंगुलर के नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर ई एस का इजाफा करना होता है, जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं। अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान। अल्लाह हैज़ राइटली सेड इन द होली कुरान, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, द ओनली ट्रू फेथ इन गॉड्स साइट इज इस्लाम। अल्लाह ताला की नज़र में सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। इस्लाम इज अ ट्रू रिलीजन बिकॉज इट टीचेस अ पर्सन एवरीथिंग इंक्लूडिंग हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू बिहेव, हाउ टू सिट एंड टॉक एंड हाउ टू केयर एंड शेयर। इस्लाम एक सच्चा मजहब है, क्योंकि ये इंसान को सिखाता है कि उसने दूसरों के साथ कैसे अमल करना है, उनका रवैया कैसे रखना है, बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है और उसका दूसरों के साथ इखलाक कैसा होना चाहिए। अ ट्रू मुस्लिम इज श्योर ऑफ हिमसेल्फ बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन द वर्ल्ड हेयर आफ्टर। सच्चा मुसलमान वो यकीन रखता है कि इस दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। एज इट इज़ वाइजली सेड, जैसा कि अकलमंदी के साथ कहा जाता है, टू बी अ गुड मुस्लिम इज इंडीड अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एक सच्चा मुसलमान होना, अच्छा मुसलमान होना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। द फॉलोअर ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड अ मुस्लिम, इस्लाम का पैरोकार मुसलमान कहलाता है। अ ट्रू मुस्लिम हैज़ अ फर्म बिलीव इन अल्लाह एंड हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह ताला पर और उसके आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पक्का यकीन रखता है, पुख्ता यकीन रखता है। ही बिलीव्स दैट अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो यकीन रखता है कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का नूर है, रोशनी है। इट इज़ हिज फेथ दैट अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एंड इज़ द लॉर्ड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। वो यकीन रखता है, ईमान रखता है कि अल्लाह ताला ही सारी कायनात का तख्लीकार है और वो क़यामत के दिन का मालिक है। ही बिलीव्स दैट अल्लाह इज़ अवेयर ऑफ हिज डूइंग एंड एक्शंस। वो यकीन रखता है कि अल्लाह ताला उसके तमाम करने और आमाल से जो है बाखबर है, जो वो काम करता है उनसे और उसके आमाल से। एज इट इज़ राइटली सेड, ओबे अल्लाह एंड अल्लाह विल रिवार्ड यू। अल्लाह ताला के ताबे फरमानी करो और अल्लाह तुम्हें इसका अवार्ड देगा। ही अवॉइड्स ईवल एक्शंस बिकॉज ही नोज दैट ही विल बी आंसरेबल फॉर हिज डीड। वो बुरे कामों से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने आमाल का अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होगा। ही फियर्स ओनली फ्रॉम अल्लाह एंड डज नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है और कोई भी गलत काम नहीं करता। इट इज़ हिज बिलीव दैट अल्लाह इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट। वो यकीन रखता है कि अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है, हर जगह पर हाजिर है और नाजिर है, देखता है, मौजूद है। एज इट इज़ वाइजली सेड, जैसा कि कहा जाता है, फियर अल्लाह वेयर एवर यू मे बी, अल्लाह ताला से डरो जहां तुम भी हो। अ ट्रू मुस्लिम लीड्स अ सिंपल एंड प्योर लाइफ। एक सच्चा मुसलमान
सादा और खालिस जिंदगी गुजारता है। ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, ये लिवलीहुड नहीं है, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड थ्रू ऑनेस्ट मीन्स एंड इज कंटेंटेड विद इट, कंटेंटेड विद इट। एक सच्चा मुसलमान अपनी रोजी ईमानदारी से कमाता है और वो इस पर मुतमईन रहता है। ही कंट्रोल्स हिज डिजायर्स, वो अपने ख्वाहिशात पर काबू पाने की कोशिश करता है। ही डज नॉट बेग फॉर थिंग्स, वो चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं मांगता। ही ही डज नॉट ब्रिंग डाउन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपनी इज्जत नफ्स को भी कम नहीं करता, घटाता। ही स्पेंड्स हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारता है। ही रीड्स द होली कुरान एंड फील्स अ ग्रेट जॉय, वो कुरान पाक पढ़ता है, कुरान पाक की तलावत करता है और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। एज इट इज़ राइटली सेड, जैसे कि कहा जाता है, बी कंटेंट विद व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन यू, गिवन की जगह ग्रांटेड भी आ सकता है, एंड यू विल बी अमंग द रिचेस्ट ऑफ पीपल, जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उस पर मुतमईन रहो और तुम अमीर तरीन लोगों में से जाने जाओगे, समझोगे खुद को। ही इज़ अ गुड एट हर्ट, वो अपना दिली तौर पर बहुत ही अच्छा होता है। ट्रू टू हिज वर्ड एंड ऑनेस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, वो अपने अल्फाज में और अपने ड्यूटीज फ्राइज में बहुत ही सच्चा रहता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग एक्सेप्ट अल्लाह एंड डज वट इज़ राइट, वो अपने वो आप अल्लाह किसी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और हर चीज़ सही करने की कोशिश करता है। ही ऑफर्स प्रेयर्स रेगुलरली, कीप्स फास्ट, गिव्स ज़कात एंड परफॉर्म्स हज, वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, की फास्ट रोज़े रखता है और ज़कात देता है और हज भी अदा करता है। ही बिलीव्स इन द डे ऑफ जजमेंट, वो क़यामत के दिन पर यकीन रखता है, एंड द लाइफ हेयर आफ्टर, आखरत के दिन पर भी। ही हेल्प्स द पुअर, द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, याद रखिए बेटे, ये जो पुअर के साथ एस लगाने से नहीं, दा लगाने से, नीडी, पुअर, रिच और डेस्टिट्यूट के साथ, इन चार लफ्जों के साथ दा लगाने से ये प्लूरल बनता है, एस लगाने से प्लूरल नहीं बनते ये। ही गिव्स देम आर्म्स, वो उन्हें जकात देता है, खैरात देता है। ही एज इट इज़ वाइजली सेड, अमंग द मोस्ट बिलव्ड ऑफ पीपल पीपल इज द वन हु इज मोस्ट हेल्पफुल, लोगों में सबसे ज्यादा वो अच्छा है जो दूसरों वो जो दूसरों की मदद करता है। अ ट्रू मुस्लिम इज रिगार्ड हैज़ रिगार्ड फॉर हिज नेबर्स, सच्चा मुसलमान अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखता है, उनकी इज्जत करता है। ही नेवर डज एनी थिंग दैट गोज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो उनकी दिलचस्पी के खिलाफ जाता। ही रिस्पेक्ट्स देयर राइट्स, वो उनकी हकूक का ख्याल रखता है। ही शेयर्स देयर जॉयज एंड सॉरोज, वो उनकी खुशी और गम का को शरीक होता है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन देयर वेलफेयर एंड हैप्पीनेस, वो उनकी फलाह बहबूद और अच्छे खुशी के लिए में दिलचस्पी लेता है। ही डज हिज बेस्ट टू हेल्प देम वट एवर ही कैन, वो जो कुछ भी कर सकता है वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। ही इज ऑलवेज प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस हिज ऑन इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक खातिर, सेक क्या है, खातिर ऑफ हिज नेबर्स, वो अपने हमसायों की खातिर जो है बहुत सी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहता है। एज इट इज़ राइटली सेड, जैसे कहा जाता है, ट्रीट अदर्स एज यू वॉन्ट टू वॉन्ट देम टू ट्रीट यू, दूसरों के साथ ऐसा सलूक करो जैसे कि आप चाहते हो कि दूसरे भी आपके साथ सलूक करें। बिकॉज वट गोज अराउंड कम्स अराउंड,
जो आगे जाता है वही जो है ना वापस आता है। अ ट्रू मुस्लिम इज वेल बिहेव्ड, एक सच्चा मुसलमान हमेशा अच्छा बिहेव करता है, सलूक करता है। ही इज ग्रेसफुल इन एवरीथिंग दैट ही डज, वो हर काम में अच्छा रहता है। ही ट्राइज टू बी स्वीट टू अदर्स, वो दूसरों के साथ बेहतर रहने की कोशिश करता है। ही इज नॉट सेल्फिश, एज इट इज वाइजली सेड द मुस्लिम इज वन हु डज नॉट हैव प्रिजुडिस। प्रिजुडिस होता है तासुब, हसद, इंटॉलरेंस, हेट्रेड, नफरत, इंटॉलरेंस, बेसब्री, बुर्दबारी से कमी। टॉलरेंस होता है बुर्दबारी, सब्र, और ये उसका उल्टा है। हेट्रेड, नफरत, रिवेंज, इंतकाम। सच्चा मुसलमान हसद, नफरत, इंतकाम और बेसब्री से आरी होता है, खाली होता है। और हमें भी अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मुसलमान बनेंगे तो हमारा मुआशरा अच्छा होगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। ए जी अहमद एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।